अपनी फिल्म को हिट करवाने के लिए आजकल फिल्म स्टार्स कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेज ऑर्गेनाइज की जाती हैं, पब्लिक अपीयरेंसेस करते हैं, पॉपुलर टेलीविजन शोज पर भी दिखाई देते हैं, लेकिन उसके अलावा अपनी फिल्म को हिट करवाने के लिए फिल्म स्टार सहारा लेते हैं भगवान का। और इसीलिए कोई भी फिल्म रिलीज होने से पहले आप कई स्टार्स को मंदिरों या मस्जिदों में जाते हुए देख सकते हैं। देखिए किस तरह इमरान हाशमी पहुंचे एक दरगाह और अजय देवगन भी अपनी फिल्म की रिलीज के पहले भगवान के दरबार में अपनी प्रेजेंस लगाते हुए दिखाई दिए। और ऐसा ही कुछ अब कर रही हैं करीना कपूर, जो रिसेंटली मुंबई के सिद्धि विनायक टेम्पल पहुंची अपनी आने वाली फिल्म हीरोइन के डायरेक्टर मधुर भंडारकर के साथ। करीना का वहां पहुंचना था कि देखते ही देखते उस जगह पर जाम लग गया। फिल्म के पीआर ने एसएमएस भेजकर वहां पर मीडिया को बुलाया था, लेकिन शायद अच्छे से प्रेपरेशन नहीं किए थे, इसीलिए फैंस और मीडिया की वहां पर ऐसी भीड़ लगी कि पुलिस को बीच में आना पड़ा। हर कोई करीना की एक झलक पाने को बेताब था। वहाँ पर जाकर लोग ये भूल गए कि वो मंदिर के सामने खड़े हैं, क्योंकि थोड़ी देर के लिए उनकी भगवान बन गई थी करीना कपूर। ये देखिए किस तरह भीड़ भाड़ में से निकलकर करीना और मधुर भंडारकर मंदिर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। आखिर किसी तरह करीना और मधुर मंदिर के अंदर चले ही गए। भीड़ एक बार फिर तब बढ़ गई जब करीना और मधुर मंदिर से बाहर आए। कुछ लोगों ने करीना से कई सवाल पूछने की कोशिश भी की, लेकिन भीड़ भाड़ के कारण न वो मीडिया से बात कर पाई न मीडिया उनसे। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि जब फिल्म स्टार्स किसी मंदिर या मस्जिद में जाते हैं तो उनकी पीआर एजेंसीज मीडिया को एसएमएस करके वहाँ पर इनवाइट क्यों करती हैं, और अगर करती हैं तो फिर प्रॉपर अरेंजमेंट्स क्यों नहीं करते, क्योंकि इस भीड़ भाड़ और धक्का मुक्की के चक्कर में बेचारे आम फैंस परेशान हो जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि करीना ने मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में माथा टेक ही लिया है, लेट्स होप कि गणपति बप्पा उनकी इस फिल्म को सुपर हिट करवा दें।